नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला टॉप और आज हम आपके समक्ष एक ऐसी घटना का जिक्र करने वाले हैं जो काफ़ी चौंकाने वाला है और साथ ही साथ उतना ही रोचक है। आप आए दिन कई लड़ाइयों, भिड़ंत और दंगों की खबरों से रूबरू होते होंगे, मगर ये सभी लड़ाइयाँ अथवा जंग इंसानों के द्वारा लड़ी जाती है। चाहे वो जंग किसी दो समुदाय के लोगों के बीच हो, दो धर्मों के बीच हो या फिर दो देश ही क्यों ना हो, मगर हम आज जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह कुछ दिनों से सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं एक भयंकर खूनी जंग की जो दो जानवरों के बीच लड़ी जा रही है। युद्ध का नाम है मंकी वर्सेस डॉग्स। जी हाँ, इस जंग का नाम है मंकी वर्सेस डॉग्स। सुनकर चौंकिए मत, क्योंकि यही वास्तविकता है। घटना महाराष्ट्र के बीड जिले की मांजल गांव का है, जहां यह खूनी खेल पिछले 3 महीनों से खेली जा रही है। यह जंग कुत्ते और बंदरों के बीच लड़ी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ दिनों पहले एक कुत्ते ने बंदर के बच्चे को मार डाला था, जिसके बाद बंदरों में रोष का माहौल आ गया है और बंदरों ने बदला लेने की ठान ली है। उसी कड़ी में पिछले 3 महीनों में बंदरों ने महाराष्ट्र के इस इलाके में लगभग 250 कुत्तों के बच्चों यानी पिल्लों को मार डाला है। दहशत का आलम यह है कि लोग अपने पालतू कुत्तों को बाहर निकालने से भी डर रहे हैं। बंदरों की दुश्मनी किसी खास ब्रीड से नहीं बल्कि पूरा कुत्ता कम्युनिटी से है। इसमें एकमात्र लक्ष्य है खून का बदला खून से लेना। ऐसा हम इंसानों के इतिहास में कई बार हुआ है, लेकिन कई सदियों के बाद जानवरों के बीच की एक ऐसी लड़ाई देखने को मिली है। कुत्ता और बंदर के गैंग वॉर के बीच अगर कोई आदमी आ रहा है तो बंदर उनके खिलाफ भी अपना कड़ा रुख ले रहे हैं। बंदर आदमी को भी अपने शिकार के रास्ते में आने की सजा दे रहे हैं। बंदर काफी दर्दनाक तरीके से पिल्लों की जान ले रहे हैं। बंदर पहले कुत्ते के बच्चे यानी कि पिल्लों को अपने कब्जे में करते हैं, फिर वे उन पिल्लों को किसी ऊंची सतह पर ले जाते हैं जैसे कि छत या फिर कोई पेड़। उसके बाद वे उन पिल्लों को वहां से फेंक देते हैं, जिससे कि उन पिल्लों की काफी दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो जाती है।